यहाँ से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने बीते दो तीन तीन ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आती हुई देखी है। 6900 के बाद से लगातार गिरावट ही रही थी, वीकली क्लोजिंग होते होते 6700 के लेवल से आए थे, फिर 6500, फिर 6100 तक भी देखा, और हमने कल के कारोबारी सत्र में 6093 का भी लो लगते हुए देखा। रूपा जी, वहाँ से देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ रिकवरी बनती नजर आ रही है, एक बार फिर से सोयाबीन में 2% की तेजी देखने को मिल रही है और 6200 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या मान लिया जाए कि सोयाबीन यहाँ से अब रिकवर होना शुरू हो गई है या फिर सोयाबीन अभी भी और गिरावट दिखा सकती है यहाँ से? देखिए अखिलेश, अभी रिकवरी में तो नहीं है। देखिए लगातार हमने दो ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त इसमें करेक्शन आता हुआ देखा है और बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं और अब एक बार निचले स्तरों से आप देख सकते हैं कि रिकवरी इसको कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है, लेकिन अभी ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बाजार जो है, जब तक देखिए 6000 का स्तर होल्ड किया है तब तक तो आप मान के चलिए कि पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा इसमें गिरावट भी नहीं आने की उम्मीद है। 6000 अगर टूट गया और उसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तब आप इसको मान के चलिए कि नीचे में आपको 5800 से 5500 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जहां हमने देखा है कि टेक्निकली 6000 को सस्टेन कर गया मार्केट और ऊपर में अभी भी 6200 के ऊपर देखने को मिल रहा है तो पॉजिटिव है रुझान, लेकिन यहाँ पर एक बार बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो सकती है। अगर बाइंग करते हैं तो हो सकता है एक ट्रेडिंग सेशन में आपको पॉजिटिव दिखे मार्केट और कल फिर टूटते हुए नजर आए, क्योंकि अभी जो है डर का माहौल है बाजारों के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन डिप कितनी जाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि बाजार यहाँ से कितना गिरेंगे। अगर 6000 से नीचे गिरे तो 5500 तक भी गिर सकते हैं और वापस से वहां से बाउंस आ सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन करेक्शन भी आ सकती है क्योंकि ये कोरोना का इम्पैक्ट है और इसका असर क्या होगा और ये कितना हावी होगा अभी इसके लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो व्यापारियों के अंदर भी जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उनके उनको भी डर है, तो इसलिए जैसे ही प्राइस ऊपर जाते हैं तो वहां पर हैवी सेलिंग जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बाजार करेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया था और अब वापस से यहाँ पर रिकवरी आ रही है। तो 6000 का लेवल है, अगर किसी को बाइंग भी लेना हो तो 6000 को ध्यान में रखकर आप बाय ले सकते हैं। 6000 का लेवल ब्रेक करे तो आपको एग्जिट लेना चाहिए जी। रूपा जी, सोयाबीन के रिगार्डिंग ये भी खबरें हैं कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है एक बार फिर से सरकार से मांग कर रही है कि सोया डीओसी का जो आयात की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। रूपा जी, हम पहले ही देख चुके हैं कि सरकार ने जो सोया डीओसी का आयात करने का फैसला लिया था उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों पर काफी ज्यादा असर पड़ता नजर आया था, जिसकी वजह से सोयाबीन के किसान को काफी नुकसान भी हुआ। अगर एक बार फिर से सोया डीओसी का आयात हो जाता है और सरकार पोल्ट्री इंडस्ट्री की सुन लेती है तो क्या सोयाबीन एक बार फिर से लुढ़कती नजर आ सकती है और किसानों ने जो होल्ड करके मेहनत करके तेजी लानी शुरू करी है उनकी मेहनत पर क्या पानी फिरता नजर आ सकता है? देखिए, अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली अगर इंपोर्ट को सरकार मंजूरी दे देती है तो बिल्कुल इसका नेगेटिव इंपैक्ट सोयाबीन की कीमतों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी।